अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। जो निरंतर संघर्ष करते हैं वे बड़ी सफलता पाते हैं, जो व्यर्थ समय गंवाते हैं वे अंत में पछताते हैं। दोस्तों, समय की कद्र करो। आपके पास दिन में जितने भी काम हो उन समय के हिसाब से विभाजित कर लो कि मुझे यह काम इतने टाइम करना है। ज़्यादा काम होने पर आप ये मत कहो कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वे सब अपने एक दिन में होने वाले सभी कार्यों को अपने टाइम के अनुसार विभाजन कर लेते हैं। और दूसरी तरफ ज़्यादा कार्य होने पर क्रोधित बिल्कुल ना हो, बल्कि शांत मन से ये सोचिए कि अपने किसी भी काम को कैसे पूरा किया जाए। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको इसका हल आना ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कार्य ना होने पर जरा भी समय नष्ट ना करें। आप अपने समय को हर पल किसी ना किसी अच्छे कार्यों में लगाइए। अगर आप समय को नष्ट करेंगे तो समय यकीनन आपको नष्ट कर देगा। अलवेज थिंक पॉजिटिव, सोच को सकारात्मक बनाइए। दोस्तों, अपने अंदर सकारात्मक सोच कूट कूट कर भर लें। हमेशा अच्छा सोचो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता ना मिलने पर हम हताश हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं और हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आपसे, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो और अपने लक्ष्य पर काम करते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को अपने आसपास भी न भटकने दो। अलवेज बी कॉन्फिडेंट। दोस्तों, अपने मन में आत्मविश्वास जगाए रखें। अगर आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप कठिन से कठिन कार्य आसानी से कर सकते हैं। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।